okay so today we are going to discuss about switch mode power supply <coughs> our smps so smps is uh, also a type of voltage regulator previously we already read or already understand a type of voltage regulator <coughs> actually that is linear voltage regulator that is a type of linear voltage regulator, but today we are going to discuss a switch mode power supply. Okay, we already said it is a type of voltage regulator, but not a linear voltage regulator. Okay, so let me discuss how it is different from the linear voltage regulator. How this re voltage regulator switch mode power supply. is डिफरेंट फ्रॉम अनदर वोल्टेज रेगुलेटर that are that's आर linear वोल्टेज रेगुलेटर <coughs> तो ठीक है देखिए जो स्विच मोटा सप्लाई होती है वो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर से थोड़ी डिफरेंट होती है अब अच्छा आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में एक्चुअली जब हम वोल्टेज रेगुलेटर की आई बना रहे थे तो हमने इसमें देखा था कि हमें इसमें किसकी एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है वोल्टेज रेगुलेटर में तो ट्रांसफार्मर काफ़ी बल्कि होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है इसकी वजह से हमारी जो आईसी हो रही थी काफ़ी बल्कि स्पेसियस और ऑफ कोर्स जो उसमें जो इनर्जी इफ़िशेंट भी नहीं थी जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी थी तो इन सब की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने एक डिज़ाइन किया स्विच मोड पावर सप्लाई तो ऑफ कोर्स इसमें एक स्विचिंग uh, चॉपर होता है ठीक है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ाई जाती है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी जो हम इंक्रीज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हम अपने जो ऑपरेटिंग हमारा वो ट्रांसफार्मर uh, है उसके साइज़ को कम कर सकते थे लाइट कर सकते थे तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं काफ़ी लाइट डिज़ाइन हो जाते हैं है काफ़ी और बहुत ही लो लेस स्पेसियस होते हैं ठीक है ना छोटे और हल्के हो जाते हैं तो पहला तो काम ये हुआ कि हमने स्विच मोड पावर सप्लाई जब एस एम पी एस डिज़ाइन किया तो उससे हमारी क्या हो गई आई <coughs> सी क्या होगी एक तो इस लेस स्पेसियस हो गई छोटी हो गई है ना ऊपर से सेकेंड वन इज उसका वेट भी कम हो गया एंड थर्ड वन इज़ ये एनर्जी इफिशेंट भी होती है बिकॉज इसमें एक हम फीडबैक सर्किट देते हैं है ना कंट्रोल सर्किट टाइप का एक फीडबैक सर्किट देते हैं जिससे हमारा आउटपुट क्या है जो आउटपुट होता है आउटपुट में इरर्स वग़ैरह जो होती हैं वो कंपनसेंट होती रहती है तो हमें ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिल पाता है यानी हमारे दो फायदे हो गए एक तो ये आइसीज़ की साइज़ और वेट पे, ऑफ़ कोर्स हमें बेनिफिट हुआ और सेकेंड हमारा जो आउटपुट टीसी सिग्नल है वो भी काफ़ी एक्यूरेट मिला तो इसमें देखो क्या करते हैं पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं मेन ब्लॉक डायग्राम, ओके जैसे हमने इनपुट सिग्नल दिया ये क्या था एक हाई वोल्टेज था और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था अब हमने फिर आपको इसको फिर रेक्टिफाई किया रेक्टिफाई के बाद फिल्टर से दिया तो हमें क्या हो गया हमारा डीसी हमें मिल गया अब डीसी जब हमें यहां से मिल गया तो हमने क्या किया देखो डीसी मिलने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया हाई फ्रीक्वेंसी स्विच एक्चुअली हमें क्या था इसकी फ्रीक्वेंसी हाई करनी थी और हाई फ्रीक्वेंसी अब हम डायरेक्ट एसी से हाई डायरेक्ट एसी जो हमारा इनपुट है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हमने पहले क्या किया उसे रेक्टिफाई किया मतलब डीसी में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर प्लस फिल्टर हमने पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किया देन हमने क्या किया उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विच इसको हम कहते हैं इसको हम चॉपर सर्किट भी कहते हैं ठीक है इसे कहते हैं चॉप करना यानी हमने क्या दिया उस डीसी को हमने एक चॉपर सर्किट में दिया और सिग्नल को चॉप किया किस पे हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो हमारा सिग्नल फिर हमारा सिग्नल क्या हुआ हाई फ्रीक्वेंसीज एसी सिग्नल फिर से बन गया क्या बन गया हाई फ्रीक्वेंसीज एसी सिग्नल देखो जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट था इनपुट हमारा क्या होगा ये ए सिग्नल था ठीक एंड देन फिर हमारा आउटपुट क्या हुआ यहाँ पर क्या हो गया रेक्टिफाइड एंड फिल्टर के पास कह सकते हैं ऑलमोस्ट डीसी आपने देखा था ना ऑलमोस्ट डीसी ठीक और ये क्या हमारा अगेन हाई वोल्ट लो फ्रीक्वेंसी डीसी ठीक हाई वोल्ट लो फ्रीक्वेंसी डीसी हो गया अब हमने फ्रीक्वें हाई फ्रीक्वेंसी स्विच या चॉपर सर्किट में इसको सप्लाई दिया तो अभी क्या हो गया अब इसकी फ्रीक्वेंसीज ज्यादा हो गई एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमने हाई फ्रीक्वेंसी एसी टाइप सिग्नल हमने डिजाइन कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या किया अभी क्या है हाई फ्रीक्वेंसी ये ये क्या है हाई वोल्ट और हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज भी क्या है इसका हाई है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है इसकी हाई है दोनों हाई वोल्ट और हाई फ्रीक्वेंसी यहां क्या था हाई वोल्टेज तो था जो इनपुट था लेकिन लो फ्रीक्वेंसी था फिर क्या हुआ हाई वोल्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी अभी भी हाई वोल्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी डीसी ये हाई वोल्ट और लो फ्रीक्वेंसी ए सी था फिर हमें इसको डेक्ट्रीफायर एंड फिल्टर से पास करने के बाद ये क्या बना हाई वोल्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी डीसी सी बनाया फिर हमने जब इसको शॉपर सर्किट से सप्लाई किया तो अब क्या बन गया हाई वोल्टेज तो रहा लेकिन लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो गया तो हाई वोल्टेज लो फ्रिक्वेंसीज अगेन ए सी सिग्नल अब हमने क्या किया इसको ट्रांसफार्मर में सेंड किया तो ट्रांसफार्मर में क्या कर दिया स्टेप डाउन कर दिया स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज जो हमारा अब यहाँ से क्या होगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें लो वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसीज एसी सिग्नल यहाँ भाई स्टेप डाउन है तो लो वोल्ट और हाई फ्रीक्वेंसीज एसी सिग्नल मिल गया अब देन हमें फिर क्या किया अब इस लिए देखो हाई क्या हाई वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल था तो हमारा ट्रांसफार्मर के लिए यूजफुल हुआ और ट्रांसफार्मर हमारा का डिजाइन हमें थोड़ा कॉम्पैक्ट मिल गया फिर हमने रेक्टिफायर एंड फिल्टर किया फिर हमारा ये आउटपुट मिला डीसी मिल गया ठीक तो देखो जब आउटपुट हमारा ये यहाँ पर क्या हुआ लेकिन हमें लेकिन देखा था ना रेक्टिफायर एंड फिल्टर से क्या होता है हमें सिग्नल्स मिलते तो हैं लेकिन ऑलमोस्ट अब यहाँ देखो हमने रेगुलेटर नहीं लगाया हुआ है तो लेकिन रेगुलेटर की जगह हमने एक सर्किट क्या कर दिया फीडबैक इरर एम्पलीफायर ठीक है ना एक, एक एक हमने फीडबैक सर्किट दे दिया है ये क्या है हमारा एक फीडबैक सर्किट है तो ये है हमारा ये क्या है एक फीडबैक सर्किट है जिसमें हमें देखो आउटपुट सिग्नल को दिया आउटपुट सेंसर फिर ये आइसोलेशन फिर देखिए ये क्या है रिफरेंस रिफरेंस बोल्ट से जो हमारा ये आउटपुट सिग्नल आया उससे कंपेयर होगा कंपेरिजन के बाद ऑसिलेटर के पास जाएगा एंड देन फिर एक क्या होगा जैसे अब सिग्नल ये हमारा क्या यहाँ सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिला होगा और ये हमारा क्या आउटपुट सिग्नल मिला यहाँ से तो यहाँ से जब हम कंपैरिजन होगा इसका इन दोनों का लाइक इसमें होता है जैसे अगर हमारा आउटपुट जो डीसी सिग्नल है वो लो है किससे इनपुट वाले से तो हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसीज ये क्या करता है और बढ़ा देता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज कर देता है और अगर हमारा आउटपुट जो डी है वो इससे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसीज क्या कर देगा लो फ्रीक्वेंसीज कर देगा इन कंपेरिजन टू प्रीवियस तो इसी तरीके से जो ये फीडबैक होता है काम करता है और जिससे हमारा क्या होता है जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वो क्या होते हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं मतलब जो हमारा आउटपुट है वो काफी एक्यूरेट मिलता है देखो ये तो था इसका ओवरऑल ठीक ओवरऑल इसका डायग्राम था ट एग्जाम में आपको ये ब्लॉक डायग्राम बना बनाओगे तो ये सफिशियंट रहेगा हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है आप इसको लिख यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ये क्या है एक चॉपर सर्किट है ट्रांसफार्मर है तो आप इसको लिख दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेम वही देखो रेक्टिफायर एंड फिल्टर फिर हमने किस किस में दिया हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर यानी चॉपर सर्किट में जो कि फ्रीक्वेंसीज बढ़ा देता है फिर हमने ट्रांसफार्मर दिया कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर रेक्टिफायर एंड फिल्टर अगेन बिकॉज हमें डीसी चाहिए फिर आउटपुट मिला आउटपुट को कंट्रोल सर्किट से फीडबैक कर दिया तो ये हमारा सर्किट क्या हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई वाला सर्किट डिजाइन हो गया राइट right? चलो इसकी थेरी पढ़ लेते हैं थेरी में क्या है तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक डिजिटल उपकरणों में लाइक टेलीफोन पीसीस सी रोबोटिक्स एक्स्ट्रा एक में स्विच मोड पावर सप्लाई को यूज़ किया जाता है इन सिस्टम को कॉम्पैक्ट लाइट वेट व हाईली इनर्जी इफिशियंट सप्लाई है ना? प्लीज कंसंट्रेट इन इन सिस्टम्स को कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लाइट वेट कॉम्पैक्ट मतलब साइज में छोटा इन सिस्टम को कॉम्पैक्ट लाइट वेट कम वजन का वह हाईली इनर्जी इफिशियंट है ना एनर्जी के प्रति काफ़ी इफिशियंट हो मतलब एनर्जी काफ़ी कम वेस्ट करे जितनी कम से कम हो सके सो हाईली इनर्जी इफिशियंट सप्लाई की आवश्यकता होती है जो कि एस द्वारा पूर्ण की जाती है ठीक है तो हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई हुआ देन आगे फर्दर देखते हैं एस में इनपुट लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई तथा फिल्टर किया जाता है इस फिल्टर की गई डीसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप किया जाता है ठीक है ना है ना? चॉपर स्विच द्वारा चॉप किया जाता है पहले रेक्टिफाइड फिल्टर फिर चॉपर स्विच द्वारा चॉप किया गया इस चॉप्ड वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई किया जाता है ठीक तथा आवश्यक स्तर पर स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की आउटपुट को पुनः रेक्टिफाई व फिल्टर करके आवश्यक डीसी वोल्टेज प्राप्त की जाती है ना ट्रांसफार्मर को पुनः रेक्टिफाई एयर फिल्टर करके आउटपुट हमारा डीसी सिग्नल मिलता है अब हमें पता है दो बार हमें रेक्टिफाई एंड फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ी पहली बार हमें रेक्टिफायर और फिल्टर इसलिए किया ताकि हम क्योंकि डीसी हम डीसी से ही हाई फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी टू हाई फ्रिक्वेंसीज एसी सिग्नल कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए हमने पहले डीसी कन्वर्ट किया क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए थी अगेन और फिर दोबारा में क्या हुआ क्योंकि हमें डीसी ही चाहिए थी इसलिए हमने डीसी सिग्नल लिया ओके okay, मतलब तो ट्रांसफार्मर को हमें हम क्या लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लाइट वेट और कॉम्पैक्ट करने के लिए ये सब हमें दो बार रेक्टिफाई एंड फिल्टर करना पड़ा देन आगे तो फर्दर देखते हैं आउटपुट वोल्टेज को एक कंट्रोल सर्किट यानी फीडबैक सर्किट द्वारा सेंस किया जाता है ड्राइवर परिपथ को करेक्शन सिग्नल ड्राइवर ड्राइवर परिपथ को करेक्शन करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है ड्राइवर कौन सा यही कंट्रोल सर्किट या फीडबैक सर्किट परिपथ को करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है जिससे स्विच का ऑन ऑफ टाइम वैरी होता है मीन्स ये कह रहे हैं चॉपर सर्किट के लिए तथा आउटपुट में यदि कोई चेंज होता है तो वह कंपनसेट हो जाता है ठीक है ना फीडबैक से क्या हो जाता है जो आउटपुट में जो, अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो कंपनसेट हो जाएगा राइट एस एम पी एस में पावर डेसीपिएशन कम होता है दक्षता बढ़ती है कम साइज लाइट वेट आदि एडवांटेज प्राप्त होते हैं ओके तो ये था हमारा इट इज ऑल अबाउट द स्विच मोड पावर सप्लाई ठीक ओके थैंक यू